कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज में आज हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर आपके पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं, यानी कि 0 से लेकर सभी पॉजिटिविक वैल्यू। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम करेंगे आज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम दो वैल्यू लेंगे और उनके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न करेंगे। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमें कहती है कि जो हमारे पास a प्लस बी है और b प्लस a हमारे पास सेम आता है कि नहीं आता, यानी कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि a प्लस बी बराबर आता है मेरा b प्लस a के। वैसे ही यहाँ पर मेरे पास आएगा b माइनस a, a माइनस बी बराबर आना चाहिए b माइनस a के। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती है तो ये हमारे पास होगा एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग आती हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। वैसे ही मल्टीप्लाई के लिए करेंगे b इंटू a, वैसे हम डिवाइड के लिए करेंगे। यानी कि अगर ये दोनों वैल्यूएँ मेरे पास बराबर आती हैं तो हमारे पास होगा कम्यूटेटिव होगा, अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आते हैं तो हमारे पास नॉट कम्यूटेटिव आंसर होगा। सबसे पहले करते हैं हम एडिशन। एडिशन में आपको पता है कि मेरे पास फर्स्ट पार्ट लग जाएगा a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस a के। जैसे मैं a ले लेता हूँ 0 प्लस 2, तो यहाँ पर मेरा होना चाहिए 2 प्लस 0, यानी कि a की वैल्यू आपके पास 0 है और b की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये मेरे पास आएगा 2, तो यहाँ पर मेरे पास 2 होगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, 2 प्लस 5 यानी कि 5 प्लस 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी मेरे पास 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मेरे पास 7 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई मेरे पास राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास होगा a माइनस बी बराबर रहना चाहिए b माइनस a के। तो मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ होल नंबर के अंदर, 2 और 4 ले लेता हूँ, यानी कि 2 माइनस 4, यहाँ पर मेरा 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये माइनस 2 आएगा, यहाँ पर मेरे पास आएगा प्लस का 2। आपने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है मेरे पास राइट हैंड साइड के, दोनों वैल्यू मेरे पास अलग अलग हैं, तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसे हम कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a इंटू बी बराबर होना चाहिए b इंटू ए के। दो होल नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ 3 इंटू 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ही 15 आ रहा है, यहाँ पर ही 15 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू मेरे पास बराबर हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। फिर हम कह लेते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, फिर हमारे पास आ गया डिवीजन के अंदर। सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, हमारा लास्ट पार्ट है डिवीजन। डिवीजन में आपके पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं होल नंबर के अंदर, जैसे मैं ले रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर मेरे पास 2 डिवाइडेड हो जाएगा 1। तो सोल्व करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 1 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 2 बाई 1 आ जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 1 बाई 2 इक्वल नहीं होता है 2 के, तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं
डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमने आज करा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन होल नंबर। सिर्फ आपने इन चार फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। इक्वल आते हैं तो आपके पास कम्यूटेटिव हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आते तो नॉट कम्यूटेटिव होगा।